जिस गति से इंसान जानवरों को खाता है अपना पेट भरने के लिए, अगर उतनी ही गति से इंसान खत्म होने लग जाए तो केवल 22 घंटे में बिहार खत्म हो जाएगा, 11 घंटे में पूरा यूनाइटेड किंगडम खत्म हो जाएगा और मात्र 4 घंटे में पूरी दिल्ली खत्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल की टीम ने DIP डाइट का डीकंस्ट्रक्शन किया है और आपके सामने हमेशा की तरह इनडेप्थ एनालिसिस को लेकर हम लोग हाजिर हैं। जो भी इंसान आपको DIP डाइट की कमियां निकालते दिखेगा, उसे बस आप ये वीडियो दिखा देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अगर मैं पसंद आऊँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे तो डॉक्टर बिस्वरूप की DIP डाइट के बारे में डिस्कस करना छोटा मुंह और बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इसे इतने अच्छे से समझाया है अपनी सभी वीडियोज़ में। बस हमारी टीम डॉक्टर बिस्वरूप को अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकती है वो हम देना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो हमें कमेंट सेक्शन में लिंक्स भेजते हैं रिसर्च पेपर के, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, उससे हमें बहुत हेल्प होती है। आप जो भी लिंक्स भेजते हैं उसे आप पिन किए हुए कमेंट के नीचे भेज देना, क्योंकि ये आप सभी का चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर बिस्वरूप 12 बजे तक फ्रूट्स खाने को बोलते हैं, तो अब हम जानेंगे कि आखिर वो ऐसा बोलते क्यों हैं और इस चीज़ के फ़ायदे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। फ्रूट्स विटामिन और मिनरल से भरपूर तो है ही, लेकिन एक चीज़ जो सब लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है फाइबर। अगर आपकी डाइट में फाइबर पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो डायबिटीज़, BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियाँ आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि खुद डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके इंटेस्टाइन और कोलन को क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर आप बर्गर, पिज्ज़ा, मैदा या वेस्टर्न फूड खाते हैं तो इनमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। इसलिए डॉक्टर बिस्वरूप बोलते हैं कि आप प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड प्रोडक्ट से एकदम दूर रहो। और सुबह ही अगर आप बॉडी को फाइबर से लोड कर लें तो उसके बाद जो भी आप खाएंगे उसका बॉडी में मूवमेंट बहुत ही ईजीली होगा। फ्रूट्स में हम लोग कुछ ऐसे फ्रूट्स एनालाइज करेंगे जो ज़्यादा महंगे नहीं होते और ईजिली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अमरूद, आम, केला, संतरा, वाटरमेलन, अंगूर एक्सेट्रा। अब 12 बजे तक तो आपको यही खाना है। अब हम ले लेते हैं कोई इंसान जिसका वेट 60 kg है, तो उसे 60 × 10 यानी कि 600 ग्राम इनमें से कोई भी फ्रूट्स खाने हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में 600 ग्राम फ्रूट्स खाने से, लंच में प्लेट 1 और प्लेट 2 के सिस्टम से और डिनर में भी प्लेट 1 और प्लेट 2 के सिस्टम से हमारी बॉडी को कितने कितने विटामिन मिल जाएंगे। और प्लेट 1 का यहाँ पे मतलब है 4 तरह की कच्ची सब्जियाँ, फॉर एग्जांपल गाजर, मूली, खीरा, टमाटर और साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आपको खाना है। और कितना खाना है? 60 × 5 यानी कि 300 ग्राम, या फिर जितना भी आपका वज़न है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने ग्राम्स खाना है। प्लेट 2 का मतलब है होम कुक्ड फूड, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ये है आपकी DIP डाइट का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बस इनमें आपको इन 6 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पहला कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रोज़ अलग अलग तरह की वैरायटी खाएं। नंबर 2, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाएं। तीसरा है कि नमक और तेल थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें। चौथा, स्नैक्स में आप लोगों को खाना है स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स। 5th है, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और 6th है कि डिनर आपको शाम 7 बजे तक निपट जाना चाहिए। अब हम ब्रेक डाउन करेंगे DIP डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें आते हैं 9 एसेंशियल विटामिन्स और 16 एसेंशियल मिनरल्स। जो भी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी, ये FDA की डेली वैल्यू रिक्वायरमेंट से डिराइव की गई हैं। विटामिन ए, फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 100 ग्राम वाटरमेलन खाने से दिन भर की नीड का 11%, सिर्फ 100 ग्राम मैंगो खाने से दिन भर का 20%, सिर्फ 100 ग्राम अमरूद में 12%। इनफैक्ट विटामिन ए कैरेट में ही 44% ऑफ डेली वैल्यू रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप डॉक्टर बिस्वरूप की डाइट खा रहे हैं तो आपको विटामिन ए की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, वो सब खत्म, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में ही इतने सारे फ्रूट्स खा ले रहे हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आते हैं। फ्रूट्स में विटामिन बी थोड़ा कम होता है, लेकिन बनाना एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन B6 का। सिट्रस फ्रूट्स में भी थोड़ा बहुत विटामिन बी होता है।
तो विटामिन बी हमारे अंदर कैसे आएगा? वो आएगा दालों से, जैसे कि सोयाबीन, राजमा, छोले। इनमें लगभग 100 ग्राम में 20-25% दिन भर का विटामिन B6 आपको मिल जाता है। और बाकी आपको मिलेगा सबसे बढ़िया सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, जैसे कि अलसी के बीज, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, इन सबसे। और विटामिन बी के लिए सबसे ज़रूरी पीनट्स। 100 ग्राम पीनट्स में डेली वैल्यू रिक्वायरमेंट का करीब 70% विटामिन B3 होता है और करीब 50% विटामिन B1 और बायोटिन यानी कि विटामिन B7 होता है करीब 60%। अगर आपने थोड़ा थोड़ा ये सब खा लिया ना, तो विटामिन बी के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए। विटामिन सी, इसके बारे में मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है फ्रूट्स आर लोडेड विद विटामिन सी। अगर आपने एक संतरा खा लिया या आपने दो आम खा लिए तो आपके दिन भर का विटामिन सी कंप्लीट। विटामिन डी, डॉक्टर बिस्वरूप रिकमेंड करते हैं कि डेली आपको 40 मिनट सनलाइट लेनी है। इसके अलावा आपको सोयाबीन, ऑरेंज जूस, मशरूम्स, ओट्स, इन सबसे भी विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन ई, फ्रूट्स में विटामिन ई थोड़ा कम होता है लेकिन आम और पपीते में थोड़ा थोड़ा विटामिन ई ज़रूर है। एवोकाडो और कीवी ये सब इजीली अवेलेबल नहीं है तो हम इन सब का डिस्कस नहीं करेंगे, हम इजीली अवेलेबल फ्रूट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फिर हमारा बाकी विटामिन ई कहाँ से आएगा? वो आएगा उन चीज़ों से जो कि मैंने विटामिन बी के लिए बताई थी, जैसे कि सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली पीनट्स और बादाम। अगर आपने ये थोड़े थोड़े खा लिए तो आपका विटामिन ई भी कम्प्लीट। अब लास्ट विटामिन के, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे कि अगर आपने 15 से 20 ग्राम पालक खा ली तो आपका दिन भर का विटामिन के हो गया। इसकी जगह आप एक दो खीरे भी खा लें तभी भी आपका विटामिन के कंप्लीट। यहाँ पे सारे एसेंशियल विटामिन्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब मिनरल्स को देखते हैं। 16 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, पोटाशियम एक्सेट्रा। अब मिनरल रिच फूड्स की आप ये लिस्ट देखो, ड्राई फ्रूट्स, पालक या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सीड्स, गेहूं और फ्रूट्स, इन सब में भर भर के मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 100 ग्राम पालक में रोज की नीड का 15% आयरन है, 100 ग्राम चने की दाल में 34% आयरन है, एक चम्मच यानी कि 15 ग्राम चिया सीड्स में आपको दिन भर का 10% कैल्शियम मिल जाएगा, 7% आयरन मिल जाएगा और मैग्नीशियम का आपको 13% डेली वैल्यू का मिल जाएगा। आयरन का आपको वैसे भी पता है कि हरी सब्जियां बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, ऐसे ही अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स भी ज़बरदस्त हैं, उनमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम ये सब भर भर के होता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, किशमिश आर फुल ऑफ मिनरल्स। कुल मिला के बात यह है कि DIP डाइट से आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन और मिनरल की कमी हो ही नहीं सकती है। ये तो थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगर आपको कोई भी मिलता है जो बोले कि डॉक्टर बिस्वरूप की DIP डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, तो विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? बस आप उसको ये वीडियो दिखा देना सबूत के साथ। अब बचते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, और क्यों हमें नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, जो कि हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारी लाइफस्टाइल की टीम ने सब्सक्राइबर्स के कुछ मज़ेदार कमेंट सेलेक्ट किए हैं, चलिए उन पर नज़र डालते हैं। अतिन सन्याल ने अपने कमेंट के एंड में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि विदाउट एथिक्स साइंस वेदन्स द आर्म्स ऑफ द डेविल लाइक असुर्स इन आवर स्क्रिप्चर्स। अतिन जी, आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ बोली है कि साइंस में से अगर एथिक्स हटा दिया गया ना तो साइंस विनाश का कारण बन जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है आत्माराम पाल जी का, वो कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत ही सिंपल और पावरफुल भाषा में होती है। आत्माराम जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी टीम की सारी कोशिश ही यही है कि हम आम बोलचाल की भाषा में आपको वो सारी बारीकियाँ समझा पाएँ जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती और मीडिया आपसे छुपाने की कोशिश करती है। कटोहो सुमी जी का कमेंट है, इसे मैं कमेंट नहीं बोलूँगी, ये एक टैगलाइन है, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, मेडिसिन इज इक्वल टू रिस्क और मेडिसिन फॉर डॉक्टर्स इज इक्वल टू लाइफ। नेक्स्ट, काफ़ी लंबा नाम है, मिस्टर अली का कमेंट है कि प्लीज़ इंग्लिश में वीडियो बनाओ या फिर इंग्लिश सबटाइटल्स प्रोवाइड करें। सर, मैंने आपका कमेंट अपनी टीम को फॉरवर्ड करा है,
तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश में वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स को इंक्लूड करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लॉरेटा रोड्रिग्यूज़ का सजेशन हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा है कि हमें वैक्सीन्स की हिस्ट्री पे एक वीडियो बनानी चाहिए। हम जल्द ही एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मीना पाल जी का थोड़ा गुस्से में कमेंट है। वो किसी को रिप्लाई देते हुए कह रही थी कि MBBS की डिग्री लेना बहुत ही मेहनत का काम होता है, ना कि हलवा पूरी तलना होता है। और साथ ही वो कहती हैं कि किसी की मेहनत को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मीना पाल जी, पहली बात तो शुक्रिया कमेंट करने के लिए, और पूरी हलवा तलना भी कोई आसान काम नहीं होता, तो उनकी भी डिसरिस्पेक्ट क्यों की जाए। ये अद्भुत ज्ञान हमें आप ही से मिला है। लेकिन MBBS की स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। MBBS के स्टूडेंट्स तो बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इसमें उनकी कोई गलती है ही नहीं, वो तो बस FDA के प्यादे हैं। हम बोल रहे हैं मेडिकल साइंस के बारे में, ना कि MBBS स्टूडेंट्स के बारे में। अब इतिहास की किताबों में औरंगज़ेब के बारे में पढ़ने से आप खूनी नहीं बन जाते, वैसे ही मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ने से आप गलत नहीं हो जाते। हम कंक्लूजन में बस यही कहना चाहते हैं आप सबको कि मेडिकल साइंस का हमको औजार की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि मेडिकल साइंस से इस्तेमाल हो जाना है। और ये कैसे होगा? जानकारी इकट्ठा करके, हर चीज़ के बारे में खुद से पढ़ के। वरना वो दिन दूर नहीं जब लैब में पड़े जानवरों का स्थान आप लोग ले लेंगे और आप पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे। थैंक यू गाइस, अलविदा।